नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2023-24 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी एक मजदूर हैं और आप लोग भी अपना खुद का काम करते हैं और अपने खुद के काम को जानते हैं, जैसे कि राजमिस्त्री हो गया, बढ़ई का काम हो गया, सुनार का हो गया, धोबी का हो गया, दर्जी का हो गया, इनमें से कोई सा भी आप लोग कोई काम जानते हैं और वो काम आपको अच्छी तरीके से आता है, तो ऐसे में आप लोग उस काम को करना चाहते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आप अपने सामान की टूल किट को खरीद नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आप अपने काम को आगे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप लोग विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने काम का अनुभव बता के गवर्नमेंट से टूल किट प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, किन बातों का आपको यहां पर ध्यान रखना है, ताकि आपको भी टूल किट मिलने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2023-24 के अंतर्गत अगर आप लोग भी आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आपको जानना ये काफी ज्यादा जरूरी है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आखिर क्या है, कौन कैंडिडेट इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है, कितने दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको टूल कब प्राप्त होंगे। ये सारी डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे लिख रखी है, जो कि इस वेबसाइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल में डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट का होना क्या जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास आधार कार्ड का होना काफी ज्यादा जरूरी है, दूसरे नंबर बैंक की पासबुक, तीसरे नंबर पे अगर आप लोग यूपी के निवासी हैं तो आप लोग यूपी श्रम सम्मान निधि के अंतर्गत आवेदन को कर पाएंगे, चौथे नंबर पे राशन कार्ड अगर है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर आप लोग भी ओबीसी एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आपको यहां पर जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी आप इसके अंतर्गत आवेदन को कर पाएंगे। साथ में दोस्तों आपके पास जो भी आप कारीगर हैं, जिस काम का अनुभव है, उस काम का आपके पास घोषणा पत्र का होना काफी ज्यादा जरूरी है। वो घोषणा पत्र अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने प्रधान से सत्यापित कराएंगे, और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से हैं तो आप लोग अपने चेयरमैन के माध्यम से सत्यापित कराएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो घोषणा पत्र आपका ये है। इस घोषणा पत्र में आपका जो भी कार्य है, उस कार्य को लेकर आप अपने चेयरमैन या फिर अपने प्रधान से सत्यापित करा सकते हैं। तो इस फॉर्म को मैं आपको क्या क्या डिटेल भरनी है उसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता पति या फिर पत्नी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, साथ में अपना मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, थाना, विकासखंड, तहसील, जिला, एरिया का पिन कोड, अपनी माता का नाम, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, पिता का नाम, जन्म तिथि, साथ में आपको अपनी जाति उपजाति क्या है, आप यहाँ पे पुरुष हैं महिला हैं इसके बारे में, आपकी पति या फिर पत्नी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बाद आप जो भी कार्य जानते हैं उस कार्य को आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, साथ में यहाँ पर अपना ये फोटो लगाएंगे, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं तो आप प्रधान से, या और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र हैं तो आप लोग चेयरमैन से इसे सत्यापित कराएंगे, और सत्यापित कराने के बाद आपको ये वाला प्रमाण पत्र आपका तैयार हो जाएगा, तो ये आपको आगे फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य है। तो आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको नवीन उपयुक्त पंजीकरण पर क्लिक करना है, यहां पर आपको योजना सिलेक्ट करनी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए लागू होती है, तो आपको केवल उत्तर प्रदेश के ही कैंडिडेट इस योजना के अंतर्गत आवेदन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है, जैसा कि आपके आधार कार्ड पे दिया हो, साथ में यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि, पिता का नाम, साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। तो फाइनली सबमिट करने के बाद हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि हमें यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है। तो
तो हम इसे नोट कर लेंगे अपने फॉर्म में। इसके बाद हम यहाँ पर ओके वाले बॉक्स से क्लिक कर देंगे। ओके करने के बाद हम आ जाएंगे उसी पेज पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पेज यहाँ पर रिफ्रेश ले लेगा ऑटोमेटिक। और इसके बाद हम यहाँ पे अपना वही यूजर आईडी और वही पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है, जहाँ पर हम अपना फिर से वही ओल्ड पासवर्ड को फिलअप करेंगे और एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड का आप लोग डेमो यहाँ पर देख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, @ लगा सकते हैं, 123 डाल सकते हैं, चाहे तो आप लोग यही पासवर्ड को भी कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो फाइनली जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। या फिर आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल जाएगा तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आना है, क्लिक हियर करना है और यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। आपने जो भी अपने पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड से आपको फॉर्म को लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले नंबर पे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर और मोबाइल नंबर, ये हमारे रजिस्ट्रेशन से आ चुका है। अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक कर दी है तो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आपने मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक कर दी है तो आप लोग मोबाइल नंबर का चेंज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपने यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे, साथ में यहाँ पर आप लोग किसके अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि नाई है, टोकरी बुनकर है, लोहार है, भरभुंजा है, बढ़ई है, मोची है, सुनार है, हलवाई है, धोबी है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, मूर्तिकार है और साथ में दर्जी है। तो हम यहाँ पे टेलर के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे दर्जी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास आर्टिकल कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। कोई और मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस को फिलअप करना है, साथ में यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, साथ में अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पर ब्लॉक को फिलअप करना है और अपने गांव का नाम फिलअप करना है। और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से हैं तो आप लोग इस वाले ऑप्शन में अपना पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे, जैसा कि आपके आधार कार्ड पे दिया हो। इसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड को फिलअप करेंगे, अगर आपका प्रेजेंट करंट सेम है तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाँ करना है और इस वाले ऑप्शन पे भी आपको यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है और आगे जारी करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक डिटेल पर, जहां पर हम अपनी बैंक के नाम को फिलअप करेंगे, आईएफएससी कोड फिल करेंगे, शाखा नाम यहां पर आ जाएगा। इसके बाद हम अपना खाता संख्या को यहां पर फिलअप करेंगे। ये डिटेल को फिल करने के बाद यहां पर हमें कुछ वितरण देना है, जैसे कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, 8 तक हुई है या फिर 8 से अधिक हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है, ये आपको अपने हिसाब से टिक करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने तकनीकी योग्यता या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, तो अगर आपने किया है तो यस कीजिएगा, अन्यथा इसे नो कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी एज कितनी है, तो हमारी यहाँ पर 18 से 45 है, बाकी 45 से 60 अगर आपकी है या फिर 60 से अधिक है तो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली की आय कितनी है, तो यहाँ पर 2 लाख से 4 लाख के बीच है तो इस पर टिक करेंगे, 4 से अधिक है तो इस पर क्लिक करेंगे और 2 तक है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथ में यहाँ पर आप अपनी जाति सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन, इस पर टिक करेंगे, जनरल वाले इस पर क्लिक करेंगे। साथ में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप विकलांग दिव्यांग हैं, तो अगर आप हैं तो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप SS BY उत्पादन के संबंध जानकारी है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है और डिक्लेरेशन पे टिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा है फॉर प्रिंट ट्रेडर सर्टिफिकेट एफिडेविट, आपको इस पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट यहाँ पर बैक हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर से हमारी उसी वेबसाइट पर आना है जहाँ पर हमने पूरा आर्टिकल लिख रखा है। और यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको लास्ट में क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम उसी वेबसाइट पर फिर से आ जाएंगे लॉग इन इन्फो पर, और लॉग इन इन्फो पे आने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा और लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉग इन करने के बाद हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आ गया दस्तावेज अपलोड करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे कि अपना फोटो, सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, यहाँ पर अपना आधार कार्ड, साथ में यहाँ पर आपको अपना कारीगर से जुड़ा हुआ एफिडेविट, ये 6 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो यहाँ पर 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ब्रोज फाइल पर आना है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर ये फोटो पड़ा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। इसी हिसाब से मैं यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करूँगा, ब्रोज पर आऊँगा और फॉर एग्जाम्पल यही मेरे सिग्नेचर हैं तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ये भी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दिया और ये वेबसाइट यहाँ पर रीलोड लेगी और सारे ऑप्शन में मेरे ग्रीन हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर लिखा है सम्मान। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर लिखा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। साथ में यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म अच्छी तरीके से चेक करना है और आपके द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है तो आपको यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ पर संशोधन करे वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। हालांकि मेरे फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो मैं डायरेक्टली फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों कुछ इसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद पूरी करते हैं वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई, पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।